गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेट्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे 17 अप्रैल डेली करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री इज होस्टिंग द 29th अरब लीग समिट 2018? कौन सी कंट्री 29वीं अरब लीग समिट को होस्ट करेगी 2018 की? तो राइट आंसर है सऊदी अरेबिया। सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में और पढ़ते हैं। टू प्रमोट अरब जॉइंट एक्शन टू एड्रेस चैलेंज फेसिंग द नेशन, और किसके लिए होगी? जो भी देश, जो ये देश है सऊदी अरेबिया, ये जिस जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जिस जिस चैलेंज को फेस कर रहा है, उसके बारे में ये सब जो है मीटिंग होगी। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI हैज़ लॉन्च द वेब बेस्ड एप्लीकेशन EFRRO, मतलब इलेक्ट्रॉनिक FRRO स्कीम फॉर फॉरनर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक FRRO स्कीम एक लॉन्च की है, किसके लिए? विदेशियों के लिए। व्हाट डज FRRO स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है FRRO का? राइट आंसर इज ए, फॉरनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। राइट आंसर ए, फॉरनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। इसमें क्या होगा, द एम ऑफ द स्कीम इज़ टू बिल्ड अ सेंट्रलाइज ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर फॉरनर। इसमें जो फॉरनर आएंगे, उनको आने में, उनके वीज़ा में, उनके पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए EFRRO जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है। टू अवेल वीज़ा रिलेटेड सर्विस एंड टू प्रोवाइड फेसलेस, कैशलेस, पेपरलेस सर्विस टू द फॉरनर विद अ यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस। उनको किसी भी तरीके की जो है, सपोज़ उस भाई आप कागज़ लेके आओ, आप अपनी आइडेंटिटी लेके आओ, ये लेके आए, वो ले, तो उसको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। फेसलेस, कैशलेस एंड पेपरलेस जो है ये स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फॉर अंडर ग्रेजुएटेड एजुकेशन। तो किस स्टेट ने CBCS को जो है सिस्टम को लॉन्च किया है अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए? राइट आंसर इज हरियाणा। दिस इज रिलेटेड टू आवर एजुकेशन सिस्टम। ये किससे रिलेटेड है? अपने एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें कमेटी बनाई गई है। कमेटी विल रिव्यू अबाउट 11 सब्जेक्ट एंड एनालाइज द वर्कलोड। कमेटी जो है इसमें 11 सब्जेक्ट को जांच करेगी, इनके वर्कलोड को जांच करेगी, उनके पैटर्न को जांच करेगी, कहीं उनका ओल्ड पैटर्न नहीं है, अगर है तो किस तरीके से जो है उसको अच्छे ढंग से हम नए तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अप्लाई कर सकें, आगे जो नई बुक्स हैं प्रोवाइड कर सकें। ये 11 सब्जेक्ट होंगे, कोई मैथ, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओके, ये सारे के सारे, जूलॉजी, तो ये सभी इसमें सब्जेक्ट जो है इंक्लूड है। नेक्स्ट है, विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज़ वोन 2018 सांतेजी ATP चैलेंजर टूर्नामेंट इन ताइपे। ताइपे में किस इंडियन प्लेयर ने जो है सांतेजी ATP टूर्नामेंट जीता है? राइट आंसर इज ए, यूकी भंबारी। यूकी भंबारी ने जो है अब की बार ये जीता है, डिफीटिंग हिज कंपेट्रियट रामकुमार रामानाथन इन द फाइनल ऑफ द इवेंट 6-3, 6-4 इन ताइपे। और इसने अपने कंपटीटर था जो इसका, रामकुमार रामानाथन को हराया है। नेक्स्ट इज द फेमस बिस्किट यात्रा फेस्टिवल। एक फेस्टिवल है बिस्किट यात्रा, ये किस कंट्री में स्टार्ट किया गया है? ये किया गया है नेपाल में। इट इज़ बिलीव दैट फेस्टिवल स्टार्टेड ड्यूरिंग मल्ला डायनेस्टी। और ये ऐसा माना जाता है कि जो ये बिस्किट यात्रा है, जो फेस्टिवल है, जो त्यौहार है, ये मल्ला डायनेस्टी हुई नेपाल में, उससे रिलेटेड है, मतलब उस समय से ये इसका प्रारंभ हो चुका है। नेक्स्ट इज, हु विल बी कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस वी शांतरमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको वी शांतरमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? किसमें? 55th महाराष्ट्र स्टेट फिल्म फेस्टिवल। तो किसको 55वीं
महाराष्ट्र स्टेट मराठी फिल्म फेस्टिवल में वी सांतरम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। राइट आंसर इज विजय चौहान, बी इज द राइट आंसर। द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैरी अ स्टेशन एंड कैश रिवार्ड ऑफ 5 लाख, और इसमें 5 लाख का एक कैश भी मिलता है। नेक्स्ट है, हु विल बी कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट एट द 55th महाराष्ट्र स्टेट मराठी फिल्म फेस्टिवल। किसको राज कपूर लाइफ टाइम अवार्ड मिला है, किसमें, 55th महाराष्ट्र स्टेट मराठी फिल्म फेस्टिवल में। राइट आंसर इज धर्मेंद्र, सी इज द राइट आंसर। धर्मेंद्र को आप सब जानते हैं जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, और इसके बारे में कुछ और भी है। धर्मेंद्र हैज़ एक्टेड इन मोर देन 250 फिल्म, इन्होंने लगभग 250 से अधिक फिल्मों में काम किया है, और इनकी लगभग 100 तक फिल्में जो हैं वो बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई है, मतलब इन्होंने 100 से अधिक हिट फिल्में दी हैं। नेक्स्ट इज विच सिटी इज़ होस्टिंग द बाई एनुअल आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, किस कौन सी सिटी है जो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को होल्ड करेगी, उसको होस्ट करेगी। राइट आंसर इज नई दिल्ली। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इश्यूज दैट आर लाइकली टू बी डिस्कस्ड एट द मैनेजमेंट टू द एक्सटेंट सिक्योरिटी डायनेमिक्स मिटिगेशन ऑफ द फ्यूचर सिक्योरिटी थ्रेट्स। इसमें जो बाई एनुअल कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें किस किस चीज़ के बारे में डील किया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट इशू है। कोई एक तो है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जो है वो सबसे ऊपर प्रेफरेंस में रखा गया है, और म्यूचुअल सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी थ्रेट्स मतलब जो आगे फ्यूचर में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम, सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए ये जो है मीटिंग रखी गई है। नेक्स्ट इज द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैज़ इशूड इट्स फर्स्ट ऑफिशियल फोरकास्ट फॉर 2018 साउथ वेस्ट मानसून रेन। IMD ने इसकी सबसे पहली जो 2018 की मानसून के बारे में जो है एक अपनी फोरकास्ट, बोल सकते हैं हम उसको आकाशवाणी बोल सकते हैं, वो की है। तो इसका जो IMD का है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। द सेकेंड स्टेज फोरकास्ट विल बी इशूड इन जून 2018, और जो दूसरी भविष्यवाणी होगी, सॉरी मैं पहले आकाशवाणी बोल गया था, जो सेकेंड भविष्यवाणी होगी, फोरकास्ट होगी, हम बोल सकते हैं फोरकास्ट एक्चुअली रिलेटेड होता है वेदर से रिलेटेड। जो सेकंड फोरकास्ट होगी वो रिलेटेड होगी, और वो इशू होगी जून 2018 में। तो जून टू सितंबर, सितंबर रेन्स आर विटल फॉर फार्मिंग। जो जून से सितंबर तक का जो समय है ये बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है टाइमिंग, किसके लिए, फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए। नेक्स्ट इज द सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे है, ये है मध्य प्रदेश में, डी इज़ द राइट आंसर। सासन UMPP अलोंग विद द कोल माइन इज़ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड कोल कम पावर प्लांट इन द वर्ल्ड। ये जो सासन है ये कोयल माइन से रिलेटेड दुनिया का सबसे बड़ा जो है पावर प्लांट है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डोमेस्टिक कोयल बेस्ड UMPP, ये इंडिया का पहला कोल बेस UMPP है, मतलब अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा।